नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, धूप भी निकल रही है, कभी छांव निकलती है, कभी वर्षा, कभी अनेक प्रकार की ऋतुएं रहती हैं, अनेक प्रकार का समय रहता है। हम काम करते हैं उसमें भी हमारी स्थिति विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये सब परिवर्तन जो है, जो जीवन में घटता है, वो सबका सब बहुत जो इसको अध्ययन करने का प्रयास किया जाए तो उस अध्ययन के विज्ञान का नाम ही ज्योतिष विज्ञान है। ये परिवर्तन किस प्रकार से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और आने वाला परिवर्तन आपके लिए, किसी के लिए कैसा रहेगा। हमारे ज्योतिष वेत्ताओं ने अनादिकाल से बड़ी चेष्टा कर बड़ा प्रयास कर इन सूक्ष्म विज्ञान के माध्यम से, सूक्ष्म गणित के माध्यम से उस विवेचना का अध्ययन किया, उस विज्ञान का अध्ययन किया और ज्योतिष का एक सृजन, विज्ञान का सृजन किया। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर समय का परिवर्तन जो होता है, किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा, क्या कुछ योग बनेंगे, वो अनादिकाल से जानने का प्रयास रहा है और उसके ऊपर बहुत बढ़िया शोध भी हुआ। शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। शनि अभी तक मकर राशि में चल रहे थे और अब कुंभ राशि में जब जा रहे हैं तो विभिन्न राशि वालों के लिए विभिन्न प्रकार के योग बनाने वाले। हमने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग चीज़ के ऊपर, अलग अलग ग्रह राशियों के अनुसार से योगा योग किस प्रकार के बनेंगे, उस सब संबंध में आपको अवगत कराएंगे। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं अपने इस चैनल आचार्यवाणी के माध्यम से, कि जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है ग्रहों का योगा योग। कन्या राशि छठी राशि है और बुध प्रधान राशि है। बुध राशि इसके स्वामी, जो बुध है ग्रह, उसके स्वामी माने जाते हैं। और कन्या राशि छठी राशि जिस प्रकार से है और उसमें जो शनि अभी तक चल रहे थे, वो चल रहे थे पंचम भाव में, मकर राशि पांचवें भाव में पड़ती है और अब शनि जो है वो विशेष तौर पे जा रहे हैं षष्ठ भाव, छठा भाव। छठा भाव शत्रु भाव है, छठा भाव रोग का भाव है, छठा भाव चिंता का भाव है और वहां अपनी राशि पड़ी हुई है उनकी, कुंभ राशि जो विशेष तौर पर अपनी राशि है और ये रोग बढ़ाने वाली राशि रहेगी। विशेष तौर पर शनि जब पदार्पण करेंगे कुंभ राशि पर तो शनि विशेष तौर पर रोग उत्पत्ति कारक, शत्रु उत्पत्ति कारक, चिंता उत्पत्ति कारक बन जाएंगे आपके लिए विशेष तौर पर। तो आपको जीवन में आने वाले 2.5 साल के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए। देखिए, ये तो गोचर के एक ग्रह का प्रभाव है, और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं ना, उन सब पर भी विचार अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहाँ कैसा कुछ योग बन जाए, कैसा दशा चल रही है, कैसी महादशा चल रही है और कैसे आप योग लेके आए हैं। ओवरऑल कुंडली में यदि राशि के अनुसार से बात की जाए, राशि भी वैसे कई प्रकार की होती हैं। चंद्र राशि की हम बात कर रहे हैं, लग्न भी उसी रूप में उतना इंपॉर्टेंट भाव रखता है। इसी प्रकार से सूर्य राशि भी उतना प्रभाव रखती है, नवमांश इत्यादि कुंडलियाँ भी उतना ही प्रभाव कर रखती हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से हम जो आपके समक्ष बात करने जा रहे हैं, वो आज बात करने जा रहे हैं चंद्र राशि। चंद्र राशि जो विशेष तौर पर रहती हैं, जहाँ चंद्रमा जिस राशि पर आपके जन्म के समय में विद्यमान था, वो ऐसा राशि रहेगी। और भर बात कर रहे हैं कन्या राशि के संबंध में आज। तो कन्या में जैसा हमने बताया कि छठे भाव में शनि महाराज पदार्पण कर रहे हैं जनवरी 17 को, और आपका रोग भाव है वो छठा भाव आपकी राशि के अनुसार से, और रोग है शत्रु का उत्पन्न करने वाला भाव है, चिंता उत्पन्न करने वाला भाव है। तो बड़ी सावधानी वहाँ कुंभ राशि अपनी शनि की हो जाती है। तो इन सब चीज़, जहाँ शनि अपनी राशि में अपने घर में जा रहे हैं तो सीधा सीधा सिद्धांत है, वो उनको बढ़ाएंगे ही। तो ये बातें आपको थोड़ा कष्ट दे सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य का सबसे पहला, प्रथम सुख निरोगी काया शास्त्र कहता है, इस बात को समझ लीजिए। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो भी कदम उठाने जा रहे हैं इन आने वाले 2.5 सालों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखना है कि वो कहीं शत्रु उत्पन्न करने वाला तो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहेगा ये भी तो सोचने की बात है। ज्योतिष विज्ञान तो ये दिखाता ही है। छठे भाव से जो सप्तम दृष्टि की शनि रहेगी, वो रहेगी 12वें भाव पर, और वो भाव है कि वो विशेष तौर पर क्या करेगा, वो आपके जुर्माने को बंद कर रहा है, नुकसान को बंद कर रहा है। तो शत्रु लाख बुरा चाह ले आपका, नुकसान तो नहीं करा पाएंगे, इस बात की अच्छी बात है। जुर्माना तो नहीं आप पे होने वाला है। अब इसका मतलब ये मत सोच जाइएगा कि आप जो मर्जी कर लें, रोड लाल बत्ती भी क्रॉस कर लें, फिर जुर्माना नहीं कटेगा। कई बार क्या होता है, जुर्माना किस बात को बोला जाता है, आपने जो कर्म किया फिर आपने उसका जुर्माना आप पे हो गया, वो आपका कर्म का प्रफल है। जुर्माना वो है कि जिसको मैंने तो कोई गलती करी नहीं और फिर मेरे, तो आप ये समझ लीजिए आप गलती करेंगे तो फंसेंगे, लेकिन जुर्माना आप पे ऐसा नहीं होगा, जो आपने कर्म नहीं किया है उसका फल आपको नहीं मिलने वाला, इस बात को आप समझ लें। लेकिन अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कर्म को सुदृढ़ करने का प्रयास करना है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो आपके
जो प्रभाव को जो देने वाले हैं, अपने प्रभाव को जो आपकी राशि के अनुसार से देने वाले हैं, रोग बढ़ाने वाले हैं, चिंताएं बढ़ाने वाले हैं, आपके शत्रु उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसलिए कर्म को सबसे पहले आप सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिएगा। शनि की दृष्टि जो रहेगी वो आपके अष्टम भाव पे रहेगी। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव बंधन का भाव है, अष्टम भाव जेल का भाव है, अष्टम भाव कई प्रकार के कष्ट भी देने के योग बना सकता है आपको। तो इसलिए शनि का गोचर जो है, वैसे आपकी दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विशेष तौर पर आपके लिए कुछ चिंताएं उत्पन्न करने वाला रहेगा, विशेष तौर पर परेशानियों से उत्पन्न करने के योग दे सकता है और साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं। लेकिन एक बात आपके लिए शनि महाराज जो अच्छी करने वाले हैं, जो पिछले करीब जो 2.5 सालों में आपको दिक्कत रहेगी पारिवारिक सामंजस्य में, कहीं ना कहीं खटपट उठ रही, उस फैक्टर में कुछ रियायत मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि शनि की दृष्टि पहले जो तृतीय भाव में थी वो आपके भाव से पड़ती थी, वो आपके परिवार में पड़ती थी, वो आपकी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, व्यवसाय की दृष्टिकोण से पड़ रही थी, तो वहां से तो हट गई शनि की दृष्टि। लेकिन शनि की दृष्टि अब आपके बंधन वाले भाव में, तो गलत कर्म बिल्कुल नहीं करने का प्रयास करना है आपको। बहुत सोच समझ कर शनि विशेष तौर पर विचार की बात, विचार करने के बाद इस बात को समझ लीजिए, आपको अनेक प्रकार से जो कार्य करने हैं बिल्कुल विचार, सोच विचार करने के उपरांत ही कार्य करने का प्रयास करना है, तब आप इस शनि के दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ये एक उपाय है सबसे पहले, क्योंकि आमतौर पर जब उपाय की बात करते हैं, हम ज्योतिष जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, विद्वान के पास जाते हैं, तो उपाय पूछते हैं सबसे पहले, और उपाय वो बता देते हैं कि भैया ये नग पहन लो, ऐसा पहन लो, वैसा पहन लो। नग मैं ये नहीं कह रहा कार्य नहीं करता है, लेकिन अब ज्योतिष जी से आपने नग खरीदा है तो सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि भैया कि आपने ही क्यों नहीं पहन लिया इतना बड़ा महंगा नग, एक से एक महंगा नग। अगर कुछ दिन पहले शनि की बात आई तो नीलम की बात कर लेते हैं, एक एक ऐसे ऐसे उद्भट लोग हैं, उस्ताद लोग हैं कि जो एक एक रत्न को करीब करीब मतलब 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये तक बेच देते हैं, 6-6,00,000 रुपये में नग बेच देते हैं। वो उपाय हो रहा है या आप कहीं लुट के आ रहे हैं? आमतौर पर मैं बहुत सारे चैनल्स पर रहा हूँ, ज्योतिषी प्रोग्राम करता रहा हूँ, करता भी रहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या कहा जाता है कि महाराज आपको ज्योतिषी बैठने के लिए क्या करना है, बड़े सारे नग पहनने हैं और साथ साथ मालाएं धारण करनी है। तो मैंने कहा भैया देखो सुनो, नग बिल्कुल चमत्कार उपस्थित करते हैं, लेकिन ये आप मुझसे कहेंगे कि मैं पहन के बैठूं, तो मुझे दिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए। आमतौर पर ज्योतिषी का मतलब ही आज की तारीख में ये हो गया है कि नग बेचने की दुकान। आप कोशिश करें, हमने आपको ज्योतिष का प्रभाव दिखा रहे हैं कि कहां कैसे प्रभाव करने वाला है ग्रह। तो सबसे पहले कर्म को ठीक करने का आपको प्रयास करना है। कन्या राशि वालों, इस बात को समझ लो कि कन्या राशि जो होती है दुस्वाभाविक राशि मानी जाती है। करूं ना करूं विचार करने में इस प्रकार के फल आमतौर पर जनरल फल जाता है, दुस्वाभाविक राशि है। करूं ना करूं ये द्वंद्वात्मक स्थिति मन में चलती रहेगी, तो उस द्वंद्वात्मक स्थिति से हटना है। अब वो कुंडली का विषय है कि कुंडली को देखना पड़ेगा कि ऐसी कहां कुछ प्रकार का योग बन रहा है, कहीं ग्रहों की ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो गोचर के दृष्टिकोण से आप बहुत ज्यादा ये मत फंसिएगा करें ना करें इस बारे में नहीं, विचार अच्छा सा किसी गाइड व्यक्ति को, अच्छे से गुरु को सानिध्य लेकर उन सब से विचार मंत्रणा करने के उपरांत कार्य को करने का प्रयास करें, बिना सोचे समझे किसी कार्य पे आगे ना चलने का प्रयास करें। एक बात और होगी, शनि जो शनि का गोचर आपके जीवन में, ये जो परिवर्तन का योग आ रहा है, शनि आपके छठे भाव में जा रहे हैं, छठे भाव से जैसे हमने कहा कि आपके बारहवें भाव को भी देखेंगे और साथ साथ आप शनि महाराज जो हैं वो आपके पराक्रम को भी देखने वाले हैं, आपके पार्टनर को भी देखने वाले हैं। जो शनि पराक्रम को देखेंगे और पार्टनर को देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई भी कोई द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर दे, पार्टनर को भगा दे। और इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि शनि 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति ला सकता है कि जो आपका विशेष तौर पर कई कारण से आपके पार्टनर के साथ आपके कार्य व्यवसाय में आपके पूरी तरह से इन्वॉल्व ना होने के कारण से, आपको ये भी बता रहे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए कि आप पूरी तरह से काम पर ध्यान नहीं देंगे, उसके कारण से आपके जीवन में ये कष्ट हो सकते हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ इन चीज़ों को समझते हुए उपाय करने की जरूरत है। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर क्या किया जाए शनि को प्रसन्न करने के लिए, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए उपाय रहेगा गौ सेवा करें। कम से कम एक काम और ये काम कर सकते हैं कि शनिवार के शनिवार आप किसी गौशाला में जाकर विशेष तौर पे पालक गाय को अपने हाथ से खिलाने का प्रयास करें। गाय काली हो तो बहुत अच्छी रहेगी, आपके शनि के उपचार के लिए बहुत सुंदर योग बनाएगी। तो इस तरह से श्याम वर्ण जो विशेष तौर पे गाय की सेवा करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करें। और साथ साथ एक काम करें, सुंदरकांड का पाठ भी करें, क्योंकि शनि आपके साथ कई प्रकार के नुकसान करने के योग बना रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम आपको करना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं, किसी यज्ञ में
तिल की आहुति शनि के मंत्र का जप करते हुए कम से कम एक काम कर सकते हैं कि अमावस्या के अमावस्या और शनिवार के शनिवार कम से कम ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय स्वाहा तिल के द्वारा इस मंत्र के द्वारा आहुति कुछ कम से कम 11 आहुतियां अवश्य देने का प्रयास कीजिए। और हमें लगता है कि इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए रोग कारक भी हैं, क्योंकि चंता आपके छठे भाव में आ रहे हैं तो वो आपको कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो विशेष तौर पर जो आपके मूत्र संबंधित रोग हैं, आपकी विशेष तौर पर इस प्रकार रोग हैं, उनसे आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। टांगों के संबंध में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत, पैर के संबंध में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये इन सब चीज़ों को थोड़ी तो ध्यान रखते हुए आप उपाय करने का प्रयास कीजिए, लोहे का दान करने का प्रयास कीजिए। शनिवार के दिन किसी मंदिर में इत्यादि में जहाँ पे कोई कार्य चल रहा हो वहाँ पर आप एक काम करिए कि कुछ जो लोहे का सामान है उसको दान करने का प्रयास कीजिए, लोहे की बाल्टी दान कर दीजिए। गौशाला में जाकर एक आध बाल्टी जो पात्र जिसमें गायें पानी वगैरह पीती हैं वो चीज़ दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनके द्वारा आप अद्भुत प्रकार से लाभ ले सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, मैंने कहा यज्ञ तिल का, जहाँ यज्ञ चल रहा हो, जहाँ पूजा पाठ चल रहा हो, किसी देवालय में जाकर तिल का दान भी कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा करने से आपके शनि के दुष्प्रभावों को आप दूर करने में सहायता प्रदान कर पाएंगे। तो शनि का गोचर का प्रभाव आपके ऊपर जिस प्रकार से है वो हमने रखा है। आप यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जाकर हमारे चैनल पर आप अपने प्रश्न को हमारे भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उन सबका निदान आपको दें। यदि आपके जीवन में ग्रहों का कष्ट कुछ और परेशान करने वाला योग दे रहा है, या आपकी कुछ विडंबना है जो समझ में नहीं पा रहे हैं, या किसी प्रपंच में आप फंस गए हैं, तो हम चाहेंगे कि रविवार को हमारे आश्रम पर विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आप आ सकते हैं और उस यज्ञ में जो वहाँ यज्ञ होता है। हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने उस आश्रम का की व्यवस्था बनाई और वहाँ आज भी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए यज्ञ करें और मंत्रों का जो सानिध्य लें, भगवती देवी मैया की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। हमने ये सुंदर व्यवस्था बनाई है, आप भी उसमें अपना लाभ ले सकते हैं। आप उसमें जुड़ें, सहयोग करें, लाभ होगा।